जय श्री केदार कहते हुए हम सब अभी केदारनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे। भगवान का केदारनाथ नाम क्यों पड़ा इस विषय में आपको जरूर जानकारी देंगे। एक केदार नाम का राजा हुआ करते थे जो शिव भक्त थे। वहाँ पे उन्होंने इस मंदिर की शुरुआत की। यह मंदिर उन्हों को पहली बार उन्हें दिखा, तब की बात है जब पौराणिक कथा है, पुराणों के हिसाब से विष्णु भगवान ने वहाँ पे शिव भगवान की तपस्या की, और इसीलिए विष्णु भगवान नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। कि तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने वहाँ प्रकट होकर के विष्णु भगवान से कुछ मांगने के लिए कहा, और विष्णु भगवान क्योंकि नारायण थे इसलिए अपने नर के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए उन्होंने शिव भगवान से आग्रह किया कि आप यदि खुश हैं हमसे तो यहाँ पे उन लोगों के लिए आशीर्वाद दो जो आपको यहाँ पे आके दर्शन कर सके, और जो आपको दर्शन करे वो जन्म और मृत्यु से परे होकर मुक्ति धाम की ओर जाए, और उनका बंधन जो है जन्म मरण से खत्म हो जाए। और मानव कल्याण के लिए शिव भगवान ने वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिया। यह आप देख रहे हो ओखी मठ है, जहाँ 6 महीने के लिए ओखी मठ में भगवान ठंड के समय में यहीं रहते हैं, और ग्रीष्मकालीन में फिर केदारनाथ उनको ले जाया जाता है बड़े धूमधाम से। गर्मी के समय में लोग मई से लेकर के दीपावली तक यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। वहाँ पे कथा है कि नर और नारायण के रूप में अभी विष्णु भगवान दोनों साइड पहाड़ के तौर पे यहाँ पे अभी भी उपस्थित हैं, और विष्णु भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं और साथ में शिव भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। इसलिए उद्धार करने वाले जगह पे आप सभी जरूर जाएं। जय श्री केदारनाथ। आइए आपको आगे भी हम सब कुछ दिखाते चलते हैं। ये गुप्त काशी है और ये गुप्त काशी है। गुप्त काशी में पहुंच चुके हैं? हाँ पहुंच गए। अच्छा, गुप्त काशी है ये, ओखी मठ से ऊपर और बीच में मंदाकिनी नदी और साथ में ओखी मठ, जहाँ 6 महीने केदारनाथ तो बाबा रहते हैं ठंडी के समय में, और गर्मी के समय में फिर केदारनाथ के चले जाते हैं। बिल्कुल गुप्त काशी के सामने है ओखी मठ। जगह जगह केदारनाथ जाने वाले घोड़े पे, खच्चर पे या फिर 4 बंदे उठा के ले जा रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचाई होता है और एकदम से चढ़ाव है। कई जगह आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये हर पहाड़ के ऊपर से कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है, और ये जल एक साथ मिलकर गंगा जल बन जाता है। और ये जल, और ये आप देख रहे हो काफी ऊंचाई से जल गिर रहा है नीचे। जय श्री राम। यहाँ से आप देख रहे हैं सभी खच्चर के सहयोग से ऊपर जा रहे हैं, और ये भी खतरनाक है क्योंकि ये फिसलन है। और आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है जो काफ़ी ऊंचाई पे आप देख रहे हो। ये सिल्वर कलर की एक चमक है, यहाँ से साफ दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे हम केदार बाबा के नज़दीक पहुँचेंगे वैसे वैसे सारी जानकारी देते जाएंगे। पब्लिक बिल्कुल ऊंचाई पे चढ़ी जा रही है, छोटे बच्चे भी हैं। तो यहाँ से जितनी ऊंचाई से देखोगे हर ऊंचाई से ये नदियाँ आ रही हैं पहाड़ों के बीचों बीच, और ये कहीं कहीं झरनाएँ जो ऊपर काफ़ी ऊपर तक है, ये झरनाएँ पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रही है। ये झरनाएँ बिल्कुल पहाड़ के नीचे तक जा रही है, और ये झरना आप देख रहे हैं लहराती हुई शोर करती हुई झरना। ये झरना कहाँ कहाँ से आ रही है इसका पता भी नहीं, और काफ़ी लोग थकने के बाद घोड़े करके आ रहे हैं चढ़ाई पे, और इस झरना का भी पानी उसी नदी में मिल रहा है। जय जय राम। हर जगह जब हम केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं तो शौच की भी व्यवस्था है, और सभी यहाँ पे फिसलन होते हुए बहुत बहादुरी के साथ
ऊपर चढ़ रहे हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नमः शिवाय कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए, और ये सभी पब्लिक अब अभी 2-3 किलोमीटर ही चढ़ पाए हैं। हम सब केदारनाथ दर्शन पे आप सबको जाके फिर से दिखाते हैं। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, हे माता रानी। यहाँ चढ़ाई पे सभी केदारनाथ पे जा रहे हैं, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, इस प्रकार खड़ी सीढ़ी है और स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में सबकी हालात ख़राब हो जाती है, लेकिन कृपा शंकर की, हर हर महादेव कहते हुए सभी भोले बाबा के दर्शन किए अभिलाषी, केदारनाथ दर्शन के अभिलाषी। ये देख रहे हैं यहाँ झरना है और यहाँ से हेलीकॉप्टर भी सुविधा अब मिल गया है, हेलीपैड भी बन गया है, इस वजह से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। काफ़ी लोग इस झरना पे रुक के थोड़ी सी ठंडक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी है चढ़ाई पे, नीचे सर्दी थी सुबह और ऊपर गर्मी है। अब आगे चल के पता चलता है आगे कितनी सर्दी है, कितनी ठंड है, तापमान 6 डिग्री दिखा रहा है। ऊपर से इस तरह की कई झरना है जो सभी अलकनंदा में, ये है झरना शानदार, झरना तो कई है लेकिन यहाँ थोड़ा सा काफ़ी हाइट से दिख रहा है ये झरना, और ये झरने का काफ़ी लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। एकदम गगनचुम्बी झरना है, काफ़ी ऊंचाई पे और ये झरना नीचे तक है। केदारनाथ से हम सब 11 किलोमीटर दूर हैं दर्शन से, और सभी लोग दर्शन के लिए व्याकुल हैं। सभी पब्लिक जो है 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ चुका है, 22 किलोमीटर टोटल है गौरी कुंड से, और यहाँ पे झरना है और इस झरने पे काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम और राहत। सभी गर्म कपड़े डाल के चले हैं क्योंकि ऊपर ठंड है, और यहाँ झरना वगैरह मिलने से थोड़ी राहत मिल जाती है। और ये झरना पहाड़ों से ऊंचाई से आ रहा है, और ये सारे पब्लिक आप देख रहे हो चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर, कोई माता रानी का नाम ले रहे हैं, कोई भोले बाबा का नाम लेते हुए सभी पब्लिक ऊपर चढ़ाई केदारनाथ पे दर्शन के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत बड़ी खाई है, ये झरना फिर इधर से नीचे आगे तक चली जाती है, ये सारे झरना एक साथ होकर के और बहुत बड़ा नदी बन जाता है। सभी पब्लिक जो है यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट करते हुए और सभी खच्चर पे सहारा कर ले करके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पैदल जो है सबसे संभव नहीं है, लेकिन हम लोग तो पैदल ही दर्शन करेंगे, इसका महत्ता ही कुछ और है, और उनकी कृपा हम सब पे बनी रहेगी और बनी हुई है, तभी तो 11 किलोमीटर हाई पिक है, ऊंचाई है, और उस पर हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। आगे चलते हैं और केदारनाथ बाबा का सबको दर्शन कराते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर सुविधा भी है, जिसके पास समय कम है वो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, और ये लोग अब दर्शन करके उतर रहे हैं। जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय। अभी केदारनाथ में बारिश होने लगी है, बारिश का ज़्यादा मौसम होने के कारण यहाँ पर सभी शेड में बैठे हैं, और आगे अभी बहुत लंबा रास्ता है जहाँ तक जाना है। जय केदारनाथ भगवान, हर हर महादेव। यहाँ बारिश शुरू है और यहाँ झरना पे सभी लोग अपना पिक्चर, केदारनाथ से काफ़ी पहले है, और यहाँ से आप देख रहे हैं जूम होके बहुत ऊंचाई से फिर एक झरना है, काफ़ी ऊंचाई से झरना नीचे की तरफ आ रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बारिश अब बंद हो गई है लेकिन बादल ऊपर अभी भी हैं, और आप देख सकते हैं बादल अभी भी है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और ये नीचे फिर झरना वापस
केदारनाथ जी दर्शन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये देख रहे हैं आप, बारिश बंद हो चुका है और ये भारत के मानचित्र की तरह ऊपर आसमान में ये बादल लगा हुआ है और ये फर्स्ट रास्ता पोल रास्ता से हम सब ऊपर जा रहे हैं और सेकंड जो न्यू रास्ता है वहाँ ये आप देख सकते हो, ये सेकंड रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ यूँ जा रही है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये न्यू रास्ता है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए सभी जाएंगे और आज केदारनाथ बाबा दर्शन के बाद फिर हम सब जाएंगे बद्रीनाथ दर्शन। जय राधे कृष्ण। यहाँ पे केदारनाथ धाम से पहले 4 किलोमीटर पहले यहाँ पे पुल है जो पुरानी पुलिया है और यहाँ से लोग उस पार जाएंगे केदारनाथ बाबा का दर्शन करने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़ोर शोर से धाराएं जो है बह रही हैं और ये धाराएं आगे तक चली जाती है और ये बहुत तेज़ धाराएं ऊपर से आ रही है और ऊपर नया रास्ता है, फिर हम लोग उसी नया रास्ता पे चले जाएंगे। फिलहाल सभी पुराने रास्ते से आ रहे हैं और हम सभी समय से 6 बजे पहुंच जाएंगे ये उम्मीद है और आप सबको केदारनाथ का दर्शन कराएंगे शाम को। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। उस पुरानी पुलिया से सभी उस पार जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी पब्लिक रुक के थोड़ी देर इस झरने का आनंद ले रहे हैं और ये झरना काफ़ी शानदार। पुरानी पुलिया पे आते हुए सभी दर्शक जो केदारनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, ये सभी भक्तजन यहाँ पे काफ़ी गर्मी होने के बाद भी लोग यहाँ पे रिलैक्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी चलचल चलचल करती हुई झरना, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। यहाँ पे एक चीज़ हम आप सबको ज़रूर बताएंगे, इतनी बड़ी त्रासदी 2013 में हो गया फिर भी इतने तेज़ धार में भी बंदे इस धार के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं अपना सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने के चक्कर में। ये खतरनाक काम आप सभी नहीं करें क्योंकि बदनामी उत्तराखंड की होती है। जैसे ऊपर पहाड़ से आ रहा पानी का शोर है, जो ये पानी का धार है काफ़ी ऊंचाई से आने के कारण काफ़ी यहाँ पे आवाज़ है पानी का और ये नदियाँ आगे की ओर जाती है पहाड़ों के बीच। अभी फिर से बारिश का मौसम हो चुका है और बाबा केदारनाथ से पहले कई बार बारिश का मौसम आप देख रहे हो, बादल एकदम सर पे है और ये तुरंत बारिश आ सकती है, इसलिए हम सभी रेनकोट डालेंगे। और ये पब्लिक देख ली, सभी पब्लिक खुश हो रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर बाबा का दर्शन के लिए। जय जय राधे कृष्णा, जय जय शिव शंभु, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये आप देखें नीचे का शिव जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई है और ये सीन आप देख रहे हो झरना का, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो रहा है और ये पब्लिक झरना का आनंद उठा रहे हैं। ये है जो नीचे पुलिया से हम लोग उस पार से इस पार पहुँचे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, चलते हैं आगे। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई और हम यहाँ पे सभी जयकारा बोलते हुए काफ़ी नीचे से लोग जयकारा बोलते हुए, ये पुलिया जो हमने क्रॉस की थी वो पुलिया है। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, जय जय। ये वादियाँ प्रकृति का अनमोल खजाना, शंकर भगवान जहाँ बुलाते हैं वहीं से हम पहुँच सकते हैं। हर हर महादेव कहते हुए इस पहाड़ों के बीचों बीच भोला बाबा का दर्शन करने चलते हैं। अब हम अपने लाठी का सहारा लेते हुए चल रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर लाठी है। जय जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।
हर हर महादेव है केदारनाथ बाबा, एकदम पूरे पिक पे हैं और बहुत अच्छा यहाँ का बादल बहुत तेज चल रहा है और ये बादल काफ़ी तेज जा रहा है। केदारनाथ बाबा का दर्शन लग रहा है, दो घंटे नीचे आते होंगे, अभी दो घंटे लगे हैं नीचे आने में, इसका मतलब 4 किलोमीटर और है, बस तो दो डेढ़ घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, ये है जो सारे मार्ग आप देख रहे हैं, दोनों मार्ग यहाँ से है, यहाँ से आप दोनों मार्ग नीचे की तरफ भी जाएंगे और यहाँ ऊपर बाबा केदारनाथ का दर्शन भी करेंगे और बादल भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए शायद जा रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब सुबह हो चुकी है, हम लोग केदारनाथ दर्शन भगवान का करने जा रहे हैं, अभी 5 किलोमीटर केदारनाथ से पहले हैं। रात को हमने यहीं पे स्टे किया था और यहाँ पे देख रहे हैं चमकती हुई पहाड़, गोल्डन और सिल्वर कलर की है जो काफ़ी नज़दीक से दिखा रहे हैं, यहाँ तक हमें जाना है। ये 5 किलोमीटर तक का कैमरा कवरिंग में थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह का माहौल और ये खच्चर घोड़ों से लोग ऊपर चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। ये अभी सुबह का माहौल है और ये अभी धूप पहाड़ों पर पड़ना शुरू हो गया है। जय शिव शंकर शंभु भोला, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। रात को हम सभी लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब सुबह हो चुकी है और सुबह के समय का प्रकृति का अलग ही गोल्डन और सिल्वर चमक यहाँ पे देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से सुविधा है जो काशी से निकलती है, कई जगह हेलीपैड है जहाँ से हेलीकॉप्टर सुविधा से आप पहुँच सकते हैं केदारनाथ दर्शन को और ये केदारनाथ दर्शन के लिए आसानी से ये हेलीकॉप्टर सुविधाएँ ले सकते हैं। जो असमर्थ है जाने में हेलीकॉप्टर सुविधा ले सकते हैं, टाइम बचाना सकता है। ये देख रहे हैं हम सभी अब पहाड़ों के धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हैं, भी पब्लिक आना शुरू हो चुका है, ये केदारनाथ बाबा का दर्शन कर चुके हैं और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं दर्शन के लिए। जय केदारनाथ बाबा, जय जय भोले बाबा, जय माते पार्वती। भोले बाबा का दर्शन करके सभी दर्शक उतर रहे हैं नीचे सुए के समय। ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर सुविधा यहाँ पे बहुत नजदीक से, हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है आगे और आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं केदारनाथ दर्शन। जय शिव कृष्ण। ये आप ऊपर देख रहे हैं, रात को बारिश हुई है, ये बर्फबारी के कारण व्हाइट व्हाइट सी दिखाई दे रही है, ये बर्फ ही है और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही लग रहा है कि अब आ जाएंगे केदारनाथ दर्शन देंगे और अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है। बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप यूट्यूब चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग पे हैं, दर्शन कर लिए आप? दर्शन कर लिए जी। कितना किलोमीटर रह गए हैं आप ऊपर जाने में? ऊपर जाने में शायद 5 किलोमीटर रह गया है। 5 किलोमीटर जी। हाँ। आप कहाँ से आए हो? मैं मध्य प्रदेश नर्मदा खंड मंडला डिस्ट्रिक्ट। जी जी। हाँ। दर्शन कैसा रहा? मेरे लिए तो भगवान ने स्वयं मुझे बुला लिया जी, अपने श्री चरणों में ऐसा आनंद दिया जी कि मेरे को कोई कष्ट नहीं है जी। मेरे जी। शरीर में इतनी भयंकर बीमारी थी, मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, घोड़े पे आया, डेड बॉडी पड़ी थी, अब दौड़ रहा हूँ भोलेनाथ ने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उतर के जा रहा हूँ, ये भक्त देख रहे हैं। जी 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 जी। बाइक से आया था जी, मोटरसाइकिल से जी जी। अब साइड हो जाओ बाबा, साइड हो जाओ। जीवन में नहीं गया केदारनाथ, साइड आ जाओ, घोड़े हैं, घोड़े हैं। पहली बार केदारनाथ आया हूँ, आ जाओ। जीवन में नहीं आया था। अच्छा जी। हाँ। तो भगवान ने शक्ति दे दी, भगवान ने शक्ति दे दी और आपने कहा कि भगवान का चमत्कार है। हाँ। आप सही हो चुके हैं। हाँ। वहाँ दर्शन करने के बाद बीमार जो थे आप सही हो गए। मैं भयंकर बीमार था जी जी, इतना बीमार था आप यकीन नहीं करोगे, मेरा चेहरा सूजा हुआ था जी। गंगोत्री यमुनोत्री में डॉक्टरों ने चेक किया, स्थिति खराब, बोले बाबा वापस लौट जाओ, हमने यो कहीं शरीर पूरा करेंगे लेकिन भोलेनाथ के चरणों में, हम नागा साधु हैं, भगवान सिर के हैं,
बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव जी के चरणों में ही अपना शरीर त्याग देंगे, या तो यात्रा पूरी करा, दर्शन करा और नहीं शरीर ले। हम तो सीधी बात है, किससे लड़े? भगवान से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर से युद्ध करने वाले साधु हैं हम, वो हमारे हम उनके। और स्पष्ट बोल देते हैं कि हे प्रभु, अधर्मी विधर्मी जो भी है उनका सबका सर्वनाश करो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। भारत माता की जय। विश्व का कल्याण हो, सबको सुखी रखे भोलेनाथ, सब आनंद से रहे, सभी प्राणियों को सुख और समृद्धि मिले। जी जी जी, बहुत अच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सभी चढ़ाई के लिए ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इतना ठंड इस वजह से है क्योंकि ऊपर जो है बर्फ़ जमा हुआ है, ये वाइट वाइट सी जो है ये बर्फ़ जमा हुआ है, जिस कारण से पब्लिक को इतना ठंड लग रहा है। और ये जो है रास्ता चढ़ने का है, यहाँ से लोग चढ़ रहे हैं और ये धीरे 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 वहाँ ऊपर जाएगा। ये रास्ता है, अभी 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर और चढ़ाई है, हमें वहाँ तक जाना है ऊपर और वहाँ भोले बाबा का दर्शन होगा। जय श्री राम। अब हम सब लगभग 2.5 किलोमीटर बच गया है और यहाँ पे आप देख रहे हो सभी पब्लिक इस पुलिया को पार करके फिर वहीं जाएंगे और ऊपर भगवान केदारनाथ का दर्शन हो। भगवान केदारनाथ की कृपा सभी पे बने। जय जय राधे कृष्णा। ये सभी दर्शन करने जा रहे हैं और ये अभी चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ देख रहे हैं अगला स्टॉपेज है। जय श्री कृष्णा। ये बर्फ है, यहाँ बर्फ से ढक जाती है रात को बारिश होने पे। मेरा नाम ओम दत्त शर्मा है, अलीगढ़ से आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अलीगढ़ से। जी जी। हाँ, रात को 8 बजे आ गए थे, सुबह 4 बजे उठे और अपने नहाए धोए, दर्शन किया बाबा का खूब अंदर जाकर। जी। VIP अपने में उसमें दर्शन मिला, बढ़िया VIP दर्शन मिला था, बढ़िया। अच्छा, बाबा की कृपा से बहुत बढ़िया। दर्शन कैसे देने होते हैं? नहीं, हम लोगों के लिए है फेरी, बाबा के लिए फेरी है। मेरे कार्ड देखते हैं आपका? ना, हमारी तो वेशभूषा ही ऐसी सब ही ऐसी है सब। अच्छा, जो माँ पास में रहते हैं और बाबा लोग वो जानते हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम से दर्शन बाबा की कृपा से। और उनके लिए क्या मांगोगे? भक्तों के लिए यही मांगना है, भक्त जितने ज्यादा केदार बाबा पे आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। केदार बाबा पे जितने भक्त आएंगे उतना अच्छा ही रहेगा। कुछ परेशानी भी होती है यहाँ, कुछ कहना नहीं, नहीं, जो आप बाबा से मांगोगे आपकी मन्नत पूरी होगी। सच्चे दिल से मांगना जरूरी है। ये तो भंडारी बाबा है, बोले बाबा। जी। चढ़ावे से जितना इच्छा हो वो चढ़ाओ, वरना कुछ नहीं। भाई एक जल जरूर चढ़ा देना बाबा को। रात को ही आप चढ़ गए थे ऊपर? हाँ, बाबा के रात को दर्शन सुबह हुई, सुबह कर रहे 4 बजे। अच्छा, वहाँ रहने की व्यवस्था है? हाँ, रहने की है, टेंट भी मिलेंगे, होटल भी मिलेंगे। टेंट भी मिल जाएगा आपको 300-400 रुपए में, 500 रुपए में टेंट मिल जाएगा। हाँ, बढ़िया। चाहे दो जने हो जाए? हाँ, दो, हाँ, दो, उसमें दो जने आते हैं 400 रुपए वाले में आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आपका केदारनाथ सभी पे कृपा। सबकी यात्री बढ़िया रहे, आपको बाबा की केदारनाथ यात्रा आपकी बढ़िया करे। जी जी। हाँ, आप मेरे सोलंकी फैमिली बुलाओ, कुछ आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है, सब सदा सुख रहेंगे, बाबा जो मांगेंगे आप बाबा जरूर देंगे आपको। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। जय केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। परिचय दें आप अपना। मेरा नाम हरेंद्र सिंह। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है। ठाकुर हो आप? ठाकुर। हाँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से? अच्छा, मैं भी ठाकुर हूँ, सिकंदर सिंह सोलंकी मेरा नाम है। अच्छा, आप बताएं हम कितने किलोमीटर पहले अभी केदारनाथ, कितने किलोमीटर रह गए बाबा का दर्शन? अब 2 किलोमीटर रह गए सर जी। 2 किलोमीटर और रह गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, जगह का क्या नाम है यहाँ? ये रुद्रा पॉइंट घोड़ा पड़ाव। रुद्रा पॉइंट घोड़ा पड़ाव। अच्छा, रुद्रा पॉइंट घोड़ा पड़ाव। पड़ाव तो यहाँ पे आपका होटल है क्या, किस नाम से है ये होटल? ये है, खाने पीने की व्यवस्था है ना यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या है आपकी प्लेट का हिसाब है, क्या हिसाब है खाने का? 4 रोटी चावल 2 सब्जी जी, 150 की। 150 की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 रोटी चावल और सब्जी दाल 200 रुपए की है? 150 रुपए की। 150 की? हाँ जी। अच्छा अच्छा, सस्ता है 150 रुपया तो। मैगी 50 रुपए की है। मैगी 50 की है, नीचे 60 दे रहा था। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। पानी की बोतल 60 रुपए की है। हाँ, ये भी रेट 10 रुपए कम है आपके यहाँ। हाँ।
ठीक है जेनून रेट। और ये ठंडा ठंडा 40 रुपए का है, ठंडा 40 है और नीचे 60 साइड आ जाएगा, 60 का दे रहे हैं छोटा बोतल 200 ग्राम। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा पब्लिक आए और इनके यहाँ होटल में आप खाना खाएं, स्वादिष्ट भोजन है। मैंने भी अभी रोटी राजमा चावल मिलेगा जी, जी और कड़ी चावल मिलेगा जी, आजाद बहुत अच्छा जी, धन्यवाद जी आपका। श्री केदार, जय श्री केदार, जय। यहाँ रुद्र पॉइंट पे आप पहुँचे हैं और बहुत ही अब नज़दीक पहुँच चुके हैं, 1.5 किलोमीटर रह गया है रुद्र पॉइंट पे। यहाँ पे सभी घोड़े वाले और खच्चर वाले सभी का इंतज़ार करते हैं, आने वाले को यहाँ उतार के और रुद्र पॉइंट से सभी बंदे ऊपर चले जाते हैं और फिर यहीं से आपको रुद्र पॉइंट से ही खच्चर और घोड़े मिल जाएगा। नीचे जाने के लिए इनकी अपनी बंधी हुई फीस होती है 3500 रुपये, नीचे जाने का भी ऊपर आने का भी। जय केदार। यहाँ और ज़्यादा करीब आ चुके हैं और ये आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर दृश्य है। रात को बर्फबारी हुई थी जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, और बहुत ही अच्छा दृश्य। और यहाँ ये सारे पब्लिक ऊपर जा रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए और कुछ लोग नीचे भी उतर रहे हैं जो ये लोग हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर बार बार जा रहा है और बहुत नज़दीक तक हेलीकॉप्टर छोड़ देता है, और ये हेलीकॉप्टर एक जैसे गई है तो दूसरे अब आएगी, आ रहा है और जा रहा है, देख रहे हो। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये हेलीकॉप्टर बार बार आ रही है, जा रही है लगातार, हर 2 मिनट पे हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड पे उतर रहा है बहुत ही नीचे। जय जय श्री कृष्णा। मोक्ष द्वार श्री केदारनाथ जी में पधारने पर सभी का स्वागत है। ये मोक्ष द्वार लिखा गया है, केदारनाथ बाबा का दर्शन मोक्ष की ही प्राप्ति माना जाता है। यहाँ उनकी साधना, उनकी एक क्षण नज़र टिकने पे, उनसे नज़र मिलने पे आपको उद्धार हो जाती हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय केदारनाथ बाबा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और केदारनाथ श्री केदारनाथ भगवान का नाम, और सामने आप देख रहे हैं ये केदारनाथ बाबा का दर्शन होने ही वाला है कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में हम पहुँच जाएंगे और आप सबको केदारनाथ बाबा का दर्शन कराएंगे। जय केदारनाथ बाबा। यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है और हर 5 मिनट पे यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर आगे खड़ी हो जाती है। यहाँ से हेलीपैड से आप हर 5 मिनट पे उड़ान भर सकते हैं यहाँ आने के लिए। चढ़ाई पे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर भी सुविधा है। जय केदार बाबा, जय केदार बाबा, जय केदार बाबा, जय जय हो केदार बाबा, जय हो गुरु, जय हो केदारनाथ। बस आपको एक काम करना होगा, सिर्फ 6 महीने पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग करानी होगी और 7000 से हेलीकॉप्टर किराया है। सभी का करो कल्याण, सब सबों का दुख हरो, आपका दर्शन हम लोगों का उद्धार होगा। जय भगवान। धन्य हो आप केदार बाबा, धन्य हो प्रभु। जय जय हो, जय जय हो केदार बाबा, जय जय, जय श्री केदारनाथ, जय भोले भंडारी। हे प्रभु दया करना, हम सब मंदिर के करीब आ चुके हैं और यहाँ से मंदिर का गोल्डन कलर की गुंबद दिख रहा है। यहाँ पूरा मंदिर के सामने का मार्केट है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप यहाँ पे बिना जैकेट भी दर्शन कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय हो भगवान केदारनाथ, जय केदारनाथ भगवान। कृपा बनाए रखना सौ परिवार, कष्ट हरना पर, जय जय केदारनाथ, जय हो, जय जय। जय जय। और यहाँ ये मार्केट है, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और केदार भगवान का यहाँ से दर्शन आप सभी कर रहे हैं। जय केदार से हम सब ये केदारनाथ भगवान का यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं, यहीं से ये
नदियां जाती है और अलकनंदा भारत को पवित्र करती है। जय जय राधे कृष्णा, जय जय राधे कृष्णा। ये पुलिया है, यहाँ से पब्लिक आ रहे हैं और सामने मंदिर है। हम सब चलते हैं अभी मंदिर से, दर्शन करते हैं। जय केदारनाथ भगवान कहते हैं, जय श्री केदारनाथ, जय जय श्री राधे। हम सब केदारनाथ पहुँच चुके हैं और ये आप देख रहे हैं केदारनाथ से आने वाली ये ऊपर से जो जल आता है, यहाँ पे हम सब स्नान किए हैं और यहाँ से फिर आगे ये जल दूर दूर तक नदियाँ बन करके बह रही हैं। जय हम लोग केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं। जय श्री केदार, दर्शन कर रहे हैं आप सब। और यहाँ पे ये केदारनाथ जी का दर्शन है, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे। और ये बाबा केदारनाथ जी का दर्शन है। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय जय केदारनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे केदारनाथ, जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ। जय केदारनाथ, जय जय हो केदारनाथ। आप देख रहे हैं बहुत ही लंबी लाइन है। जय श्री केदार। मैं पहली बार आप सभी को सोलंकी फैमिली व्लॉग के माध्यम से बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करा रहे हैं। बार बार जय श्री केदारनाथ कहेंगे और आप सब दर्शन करेंगे। भगवान केदारनाथ की कृपा आप सभी दर्शकों पे बने रहे और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहे। जय श्री केदारनाथ भगवान। आगे चाइनीज बॉर्डर है और ये शिव शंकर शंभु भोलेनाथ केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं। जय श्री केदारनाथ जी कहते हुए जय जय हो केदारनाथ भगवान की जय। भगवान शिव की 12 ज्योतिषलिंगों में से एक ज्योतिषलिंग केदारनाथ बाबा का आप सभी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ दोनों साइड नर और नारायण के तौर पे विष्णु भगवान भी उपस्थित रहते हैं, इसलिए यहाँ का महत्ता और भी बढ़ जाती है। और यहाँ की महत्ता के बारे में आप सभी देख रहे हैं कि उस कहानी को जो शतयुग में एक पौराणिक कथाएं हैं कि नर नारायण के रूप में विष्णु भगवान ने शिव भगवान की पूजन किया और उनके आशीर्वाद से शिव भगवान यहाँ प्रकट होकर के केदारनाथ मंदिर का रूप धारण किए हैं। इस ज्योतिषलिंग का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। ये नंदी हैं जो मंदिर के बाहर हैं और नंदी का भी आप आशीर्वाद यहाँ लेते हैं। नंदी से जो भी मन्नत मांगेंगे वो शिव तक बहुत जल्द पहुँचता है। नमः शिवाय कहेंगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और धन्यवाद करेंगे उस शिव भक्त राजा केदारखंड के राजा केदारनाथ के नाम से इस मंदिर को निर्माण कराया है, उस राजा को भी बार बार धन्यवाद। और धन्य है वो भक्त जो यहाँ आकर दर्शन करते हैं। जय हो श्री केदारनाथ धाम, जय हो प्रभु, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत ही सुंदर दृश्य, थकान खत्म हो गई बाबा के दर्शन करते ही। अभी दर्शन नहीं हुए हैं, अभी बस आए ही हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, भीड़ है, VIP पास में भी काफ़ी भीड़ है, 100 रुपये पर्ची रहती है, लेकिन काफ़ी ही ज़्यादा भीड़, तो शायद दर्शन ना हो पाए। समय जो है 12 बज चुके हैं दिन के, और ये द्वार हो गए हमारे नंदी जी। ओम नमो पार्वती पते हर हर। काफी लंबी लाइन है, देख सकते हैं। गौरम कृणावतारम संसार सारम उज्जैन धारम सदा वसंत धारम भवम भवानी
शहितम नमामि नमः शिवाय नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवेश्वरार्थ साधिके शरणमें त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते हे माता पार्वती हे शिव शंकर शंकर ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुशारीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवं शिवाधनम् अकिंचन विना सदा शिवं यो हि संसारं तर्तुमिच्छति समुद्धो हि महापापी शिवो द्वेषी न संशयः हे केदारनाथ भगवान हम सभी पापियों को तारो दुख दूर करो कष्ट दूर करो सद्भावना दो सद्विचार दो भारत माता की जय कहते हुए हम आगे चलते हैं आपको शिव मंदिर के चारों तरफ दिखाते हैं नर नारायण का भी दर्शन और शिव भगवान का भी दर्शन और साथ में हम आपको दिखाएंगे कि किस पत्थर के द्वारा इस मंदिर को 2013 के उस विभीषिका से बचाया गया बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था 2013 में और पीछे चल के हम उस पत्थर को भी दिखाएंगे जिस पत्थर ने मंदिर को बचाया था उस पत्थर की भी पूजा की जाती है हर हर महादेव कहते हुए चलते हैं अब केदारनाथ भगवान के चारों तरफ दर्शन करने जय श्री केदार कहते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वीआईपी लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है 2100 रुपये की पर्ची कटती है किंतु काफ़ी धक्का मुक्की है यहाँ पर और फिलहाल अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे तो देखते हैं कितने समय बाद हमें मौका मिलता है प्रभु के दर्शन के लिए यह मंदिर अभी कुछ समय पहले ही बना है वहाँ भीमशिला आपको दिख रही है बीच में और ये हमारे श्री केदारनाथ अति सुंदर सारी थकान ख़त्म हो जाती है यहाँ ही और आप पीछे देख सकते हैं है ना बर्फ़ भी गिरी है यहाँ पर काफ़ी सुंदर जय श्री केदार नंदी जी के भी दर्शन करा देते हैं आपके हमारे नंदी जी अपनी मनोकामनाएं मांगे सबकी मनोकामना इच्छा करे श्री केदारनाथ जय हो बाबा केदार की जय यह है बहुत लंबी लाइन है यहाँ जय श्री केदारनाथ हे भगवान श्री केदारनाथ की दर्शन आप सभी YouTube चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग पे कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं जय श्री केदारनाथ बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर दृश्य भोला बाबा शंकर भगवान 6 महीने यहाँ पे वास करते हैं और 6 महीने फिर 6 महीने ओखी मठ में ये भगवान केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं मंदिर जी के साथ साथ बाबा का दर्शन आप सभी कर रहे हैं ये केदार बाबा दर्शन जय श्री केदारनाथ आप सभी केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और ये VIP कोटा की तरफ से ये सब केदारनाथ जी के लिए हैं जो हेलीकॉप्टर से आए हैं अपना VIP कोटा है और श्री केदारनाथ जी का दर्शन है यहाँ आप देख रहे हो ये वही चट्टान है जो एक बार तीर का बचाव इसी चट्टान से हुआ था ये वही चट्टान है जो ऊपर से द्वारा पानी का स्रोत आया और इस स्रोत को इस मंदिर को बचाव के लिए
ये चट्टान बहुत बड़ा काम आया और इस चट्टान की भी लोग पूजा करते हैं ऊपर चढ़ के, और ये आप देख रहे हैं इस चट्टान की भी पूजा हो रही है। इस चट्टान ने इस मंदिर को बचाया था। जय 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 हो केदारनाथ भगवान, जय जय हो केदारनाथ भगवान। ये केदारनाथ भगवान दर्शन है, आप सभी देख रहे हैं, जय श्री केदारनाथ। और ये साथ में मंदिर के साथ में ये चट्टान है, जिस चट्टान ने मंदिर से पानी को अगली तरफ मोड़ दिया, और ये चट्टान आप देख रहे हैं। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय जय श्री केदारनाथ, जय जय श्री केदारनाथ, जय हो केदारनाथ भगवान। हे श्री केदारनाथ भोले बाबा, हे प्रभु दया करो, रक्षा करो हम सबकी। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय जय श्री केदारनाथ। ये आप देख रहे हो इसके आगे चाइना बॉर्डर है, चीन की बॉर्डर होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सख्ताई भी रहता है, और यहाँ पे भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आकर के कोई दर्शन करे, यहाँ साधना में लीन रहते हैं। और ज़्यादा सर्दी होने के कारण फिर केदार बाबा को यहाँ से ले जाकर ऊखी मठ में भगवान की पूजा आराधना की जाती है शरद ऋतु में। अब देख रहे हैं यहाँ पे सभी केदारनाथ बाबा पे आए हुए हैं, और ये सभी जो है नागा बाबा हैं, और केदार बाबा का दर्शन करने ये भी आते हैं, और यहाँ से जय श्री केदारनाथ का नारा लगाते हुए सभी कहाँ लुप्त हो जाते हैं नागा बाबा, फिर पता भी नहीं चलता। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है आप देख सकते हैं, और इस लंबी लाइन में 12 बजे के बाद दर्शन रोक दिया जाता है, फिर 2 बजे ये दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। अभी मंदिर को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है, 12 बजे के बाद फिर 2 बजे मंदिर खुलेगी, फिर सभी को दर्शन होगा। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय जय श्री केदारनाथ, हे प्रभु जय जय। मिल रहा है वो अमृत कुंड का जल है, वो अमृत कुंड जो केदार बाबा पे चढ़ता है जल, वो जल है। अच्छा, भगवान के चरणों का जल है, बहुत अच्छा जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक पीछे बाबा, ये अमृत कुंड का जल दे रहे हैं सभी को, और यहाँ पे चलते हैं हम सीढ़ी पे चढ़ते हुए उस चट्टान का दर्शन कराएंगे। 2013 की आपदा में बाबा के मंदिर को शेफ रखा था, यही चट्टान है, और इसकी भी पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं सभी ने इनकी पूजा की है, और ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, और पिछले हिस्से को आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पहाड़ है यहाँ से पानी का बहुत बड़ा तांडव हुआ था, और ये देख रहे हैं अभी भी ये उस त्रासदी को दिखा रहा है। यहाँ से इस चट्टान ने फिर पानी को रोक के इस मंदिर की अच्छी खासी बचाव किया, और पानी को दोनों तरफ से टर्न किया, इसलिए सभी मिल करके यहाँ पे भगवान के दर्शन के बाद यहाँ पे चट्टान की भी पूजा करते हैं, और इस चट्टान को भी भगवान मानकर पूजा करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, जहाँ चट्टान की भी पूजा की जाती है, और ये केदारनाथ भगवान की कृपा था जो त्रासदी से इस चट्टान ने दोनों साइड पानी को डाइवर्ट कर दिया और इस मंदिर की बचाव की। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। ॐ त्रिं क्यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री केदारनाथ हे प्रभु, जय जय श्री केदारनाथ हे प्रभु, जय जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। बाबा केदारनाथ का बहुत ही मनमोहक दृश्य और बहुत ही सादगी भरी यहाँ पे आप देख रहे हो। चारों तरफ से स्वच्छ हवा चलती हुई और केदारनाथ को टच करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे इतनी सर्दी में भी गर्मी है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत। जय जय केदारनाथ, बाबा को भी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से आप नज़दीक से देख रहे हैं, यहाँ से चाइनीज़ बॉर्डर है, चीन के बॉर्डर के पास ही बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ है। बहुत बड़े पहाड़ के साथ में बाबा केदारनाथ धाम है और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मंदिर से भी काफ़ी फुट आगे चलकर मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। और ये चाइनीज़ बॉर्डर है आगे, इसके ऊपर जो है सो आपको बर्फ़ ढका हुआ मिलेगा, बर्फ़ है, यही बर्फ़ पिघल पिघल करके नीचे जाती है मंदाकिनी, अलखनंदा और गंगा के रूप में। कई जगह से आप दर्शन करते हो गंगा, मंदाकिनी या भागीरथी जो कह लो, तो पहाड़ों के ऊपर ये जो बर्फ़ होता है, ये बर्फ़ लगातार जमा रहता है और लगातार ये पिघलता रहता है, जो पृथ्वी पर जा कर के इतनी शुद्ध जल का रूप धारण कर लेता है जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। पहाड़ों से टकराते हुए यह जल केदार बाबा के नीचे होते हुए और ये सभी जल चला जाता है अपना पृथ्वी पे, कईयों को उद्धार करता है, जिस जल से किसान और कई गांव निहाल होते हैं, साथ में लोग भी पवित्र होते हैं। मान्यता है कि इनके स्नान से बहुत ही किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है एक स्नान से, और एक दर्शन केदार बाबा का कर लिया जाए तो इनके दर्शन से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री केदार बाबा, जय जय श्री केदार बाबा, जय जय श्री केदार बाबा, जय हो केदारनाथ, जय हो केदारनाथ भगवान, जय हो केदारनाथ भगवान, जय हो केदारनाथ भगवान, जय जय केदारनाथ भगवान। सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे मैं पहली बार केदारनाथ दर्शन करने आया हूँ और आप सबको भी दर्शन करा रहा हूँ। जय जय श्री केदारनाथ भगवान। और ये बिल्कुल पीछे के एरिया से मैं आ रहा हूँ जहाँ से मैंने आपको ये पहाड़ दिखाया जो बर्फों से ढका हुआ था, और ये चट्टान भी दिखाया जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है, ये चट्टान है और सामने मंदिर है। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उस तरसदी में, इस चट्टान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस पानी को राइट लेफ्ट साइड से निकाल दिया, उस मंदिर का बचाव किया। जय जय श्री केदार, जय जय श्री केदार, जय जय श्री केदार, जय जय श्री केदार, जय जय श्री केदारनाथ बाबा। आप सभी देख रहे हैं केदारनाथ धाम के पीछे ये बाबा हैं जो नागा बाबा होते हैं, ये नागा साधु कहलाते हैं। अपने सिर पे भोले केदारनाथ बाबा को सिर पे उठाए हुए हैं और जय केदारनाथ का जयकारा कर रहे हैं। जय श्री केदार। अब श्री केदारनाथ बाबा का द्वार खुल चुका है और सभी लोग अब दर्शन के लिए शुरुआत करेंगे। यहाँ भोग भी लगाया गया है, देखते हैं आगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय हो केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ जी, जय श्री केदारनाथ जी, जय श्री केदारनाथ जी, जय जय श्री केदारनाथ जी। सभी दर्शक केदारनाथ जी का दर्शन करके, और यहाँ पे देखो बहुत सारा बादल फिर मंडराने लगा, कल की तरह बारिश होने की संभावना बहुत जल्द बन जाती है। और यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये देखो एक अजीब किस्म की यहाँ पे शंकर भगवान की कृपा बनती रहती है। और यहाँ पे नमः शिवाय कहेंगे
ओम नमः शिवाय, 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 जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। सभी शिलाओं को प्रणाम करते हुए जय केदारनाथ भगवान, जय जय केदारनाथ। अब चलते हैं, प्रसाद का भोग लगने का समय हो चुका है, 2 बज चुका है। जय श्री केदार। अब मुख्य पंडित जी अपना प्रसाद लेकर मंदिर के ठीक पीछे जो भगवान की शिला का पूजन होता है वहाँ प्रसाद का भोग लगाना शुरू किए हैं। पहले नंदी को, फिर आगे शिव भगवान के मंदिर के पीछे ठीक एक और मंदिर है जो नया मंदिर कहा जाए, उनके शिला का पूजन यहाँ होता है, उनका भोग लगेगा और फिर मेन मंदिर में भी भोग लगाएंगे पंडित जी। और सभी दर्शक इंतजार में कि अब जल्दी से जल्दी भगवान का भोग लगे और सभी दर्शन के लिए दरवाजे खुलें और अपने अपने नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे वीआईपी कोटा के साथ आप देख रहे हैं नंदी का भी दर्शन कर रहे हैं, नंदी भगवान का पूजन किए हैं पंडित जी। अब अंदर गए हैं जो शिला रूप में भगवान शिव पे जल अर्पण करते हो आप, ठीक मंदिर के पीछे ही नया मंदिर है जो शिला रूप में थे उनको मंदिर के तौर पे बना दिया गया है और उनकी पूजन के साथ साथ केदारनाथ भगवान के मेन मंदिर में जाकर पंडित जी भोग लगाएंगे। और सभी पब्लिक अभी साइलेंट है और देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने अपने दर्शन। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय जय हो। मौसम बदलने जा रहा है, अभी बादल ज़्यादा पहले से दिखने शुरू हो चुके हैं, हो सकता है बारिश होने लगेगा और केदारनाथ बाबा का दर्शन भी नहीं हुआ है। अब सब जयकारा केदारनाथ बाबा की जय कर रहे हैं और जय श्री केदारनाथ, जय श्री। ये बादल बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, बारिश की संभावना बन चुकी है, पूरा बादल छाया बिल्कुल नज़दीक से बादल दिख रहा है और ये जरूर लग रहा है अभी बारिश आएगी, काली घटा छा चुकी है, बारिश की संभावना है। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ हम सभी अब दर्शन कर लिए हैं केदारनाथ बाबा का और केदारनाथ बाबा का दर्शन बड़ी बहुत ही कृपा केदारनाथ बाबा का, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं, लाखों लोग आते हैं यहाँ और दर्शन करते हैं। हम लोग सुबह से आए हुए थे, अब दर्शन हमारा केदारनाथ बाबा का हो चुका है। आप सभी सोलंकी फैमिली यूट्यूब चैनल को केदारनाथ बाबा का दर्शन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री केदार। आगे गुरु शंकराचार्य और बद्रीनाथ का दर्शन आपको कराएंगे, जय श्री। एक बार सभी को जाते जाते जय श्री केदारनाथ कहेंगे, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ, जय 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 श्री केदारनाथ, जय केदारनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, जय जय श्री केदार। केदारनाथ भगवान की जय।